सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नाइका कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, नाइका कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग आज मार्केट में हो चुकी है और इसकी लिस्टिंग जबरदस्त होती हुई नजर आई। आपको बता दें कि इस आईपीओ का इशू प्राइस करीब 1125 रुपए के आसपास रखा गया था, यानी 1125 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ था और इसकी लिस्टिंग करीब 2018 रुपए के आसपास होती हुई नजर आई। यानी लिस्टिंग के दिन निवेशकों को काफी बढ़िया मुनाफा यहां से होता हुआ नजर आया। अब देखिए, ये 2 मिनट का चार्ट है, यहां पर ये आईपीओ लिस्ट हुआ था और देखिए 2-3 मिनट के अंदर ही यहां पर आप देख सकते हैं काफी बढ़िया तेजी बनी थी और देखिए 2100 रुपए के आसपास के लेवल इसने दिखाए थे और देखिए उसके बाद इसमें गिरावट हुई और 2000 रुपए का जो लेवल है वो एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता हुआ नजर आया और देखिए यहां से थोड़ा देर सपोर्ट लेकर यह शेयर आप देख सकते हैं एक बार फिर से तूफानी तेजी के लिए तैयार हुआ और काफी तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आया और करीब 2200 रुपए के लेवल इसने दिखाए। देखिए 2200 रुपए के लेवल जाने के बाद ये थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देता हुआ नजर आया, कुछ खास इसमें मूवमेंट उसके बाद हुआ नहीं। फिर आप देखें यहां से एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आई और यहां पर आप देखें इसने 2250 रुपए के लेवल दिखाए। देखिए 2250 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूं, देखिए इस आईपीओ का इशू प्राइस था 1125 रुपए, अगर इसको डबल करें तो ये 2250 रुपए के आसपास हो जाता है, यानी कि ये एग्जैक्टली अपने डबल भाव पर जाता हुआ नजर आया और जिस किसी व्यक्ति ने सही समय पर बेचा होगा इसको 100% का रिटर्न उसको मिलता हुआ नजर आया होगा। अब देखिए उसके बाद ये थोड़ा सा और नीचे आया और यहाँ पर आप देखें फिर से साइडवेज मूवमेंट हो गया और इसकी क्लोजिंग 2208 रुपए के आसपास होती हुई नजर आई। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवाल बने हुए हैं लोगों के, मुझे पता है कमेंट आएंगे कि भाई इसमें आगे क्या करना चाहिए, क्या इसको 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन रख सकते हैं। निश्चित रूप से मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इसको रखें और आप इसको होल्ड करके चलें, चाहे आप 2-3 दिन रखें चाहे 4-5 दिन रखें, निश्चित रूप से आपको रखना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, वो है स्टॉप लॉस। आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई आईपीओ ज़्यादा भाव पर लिस्ट होते हैं तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो 2000 रुपए के नीचे जाता हुआ नजर आया, फिर आप पछता पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अभी 2200 पर है, मान लीजिए कल के दिन 1800 रुपए पर हो जाता है, जो कि बिल्कुल संभव है, कोई भी हो सकता है, तो देखिए आप यही सोचेंगे कि 2200 रुपए बेच दिया होता और 1800 रुपए पर हम फिर से खरीद लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो आप एक डिसेंट से स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अपने हिसाब से लगा लीजिए जितना आप लॉस कर सकते हैं, उसके बाद अगर नीचे जाएगा तो बेच देंगे। ज़्यादा लालच नहीं करनी है हमें, लॉस नहीं करना भले ही प्रॉफिट कम हो, तो ये रूल आपको अपनाना है। होल्ड करें कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है डिसेंट सा। अब वो स्टॉप लॉस कितना होगा ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितना लॉस कर सकते हैं यहां से, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, क्योंकि देखिए आईपीओ नीचे जाता है प्रॉफिट बुकिंग आती है, आज के दिन बढ़िया मूवमेंट आया तो ये जरूरी नहीं है कि अगले 3-4 दिन अच्छा मूवमेंट आए, और देखिए ये भी जरूरी नहीं है कि खराब मूवमेंट आए, अच्छा भी आ सकता है। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और आप मान लीजिए कि मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, मान लीजिए 2400 तक चला जाए कल, तो आपने स्टॉप लॉस नीचे लगाया तो क्या ही दिक्कत है, 2400 जग जाएगा, आप 2400 पर बेच सकते हैं। तो इस तरीके से होल्ड करना है, जो कम समय के लिए है वो निश्चित रूप से स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, चाहे आपने 1 दिन के लिए किया हो, 10 दिन के लिए किया हो या 15 दिन के लिए किया हो, आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए और वो स्टॉप लॉस समय समय पर आपको बदलते भी रहना चाहिए। जैसे ये और ऊपर चला गया, मान लो 2700 तक चला गया, तो आपको एक सपोर्ट जोन मिल जाएगा, तो उस सपोर्ट जोन के आसपास आपको फिर से स्टॉप लॉस लगा देना है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस आपको बदलते रहना है। अब देखिए जो लॉन्ग टर्म के लिए, निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस आईपीओ को रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी बेहतरीन है। क्यों है वो मैं आपको बता दूँ कि देखिए जो कंपनी है ये जो फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पर सप्लाई करने का या बेचने का काम करती है। अब देखिए जो ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं ज़्यादातर लेडीज़ या लेडीज़ लोग या गर्ल्स लोग यूज़ करते हैं, और निश्चित रूप से यहाँ पर गर्ल्स में इस कंपनी की या फिर इस वेबसाइट की या जो भी आप कह लें इसकी पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा है और आगे जाकर बढ़ने भी वाली है। क्योंकि देखिए ये कंपनी 2016 के आसपास बनी थी, कंपनी पिछले 2-3 सालों से लॉस में काम कर रही थी, इसी साल कंपनी प्रॉफिट में आई
आई है, यानी 2021 में कंपनी प्रॉफिट में आती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से आगे भी देखिए कितनी तेजी से ग्रोथ की है कंपनी, 2016 से 2021 तक आते आते इतनी बड़ी कंपनी हो गई है और इतनी ज्यादा फेमस हो गई है। तो आप सोचिए 2025 तक इसकी क्या हालत होने वाली, काफी ज्यादा, मतलब मैं ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आगे जाकर यानी कि अगले कुछ सालों में काफी बड़ी ये कंपनी होने वाली है और निश्चित रूप से इसका शेयर प्राइस पर इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो काफी बेहतरीन कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है, थोड़ा बहुत गिरावट आएगी उससे डरना नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म यानी 2-3 दिन या 1-2 हफ्ते के लिए इसको होल्ड करना है तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही आपको होल्ड करना चाहिए, यही मेरी सलाह है। अब देखिए यहां पर कुछ भी आप करें अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आपको जरूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहां पर मैं चार्ट के अनुसार, फंडामेंटल के अनुसार या अपने अनुसार आपको सजेशन देता हूं। अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं आपको प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। अब देखिए यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो मिलती है, साथ ही साथ अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको और भी ज्यादा अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।